Hello students, welcome to IE. In this video, we are going to discuss about a numerical on the light emitting diode. So let's get started with the numerical. In the numerical, you can see that the driving circuit shown in the circuit has a peak output voltage of 8 volt. मतलब ये जो driving circuit है, इस driving circuit पे जो output voltage होंगे, that will be peak value will be 8 volt. So 8 volt will be the peak value of this driving circuit, of this driving circuit. So the LED has a rating of VF equals to 1.8 volt to 2 volt and the maximum current through the LED is 16 milliampere and find the possible value of RS और ये वाला circuit given है, ये आपका LED है और यहाँ पे option पे क्या लिखा है, देखिए option पे आपका check box given है. So there are 4 options on given in the check box और जब भी आपका question में गेट के एग्जामिनेशन पे चेक बॉक्स गिवन होगा ऑप्शंस पे आपको थोड़ा केयरफुल होना है क्योंकि ये जो चेक बॉक्स है इसका मतलब है ये जो क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन इज अ मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है कि ये वाले जो ऑप्शंस है ये चारों ऑप्शंस के अंदर आपका चारों सही हो सकते हैं एक सही हो सकता है दो सही हो सकता है तीन सही हो सकता है सो यू हैव टू चेक ऑल द ऑप्शंस बिकॉज यहाँ पे चेक बॉक्स गिवेन होंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या देखा था कि जो सर्किट है सर्किट का जो पीक आउटपुट वोल्टेज है ड्राइविंग सर्किट का पीक आउटपुट वोल्टेज सो ड्राइविंग सर्किट का पीक आउटपुट वोल्टेज कितना है 8 वोल्ट इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि ये जो ड्राइविंग सर्किट है इस ड्राइविंग सर्किट पे आउटपुट वोल्टेज जो होंगे दैट मीन्स यहाँ पे अगर मेरा ग्राउंड है यहाँ पे अगर मेरा ग्राउंड है तो इसके बीच में मेरा जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी 8 वोल्ट इसका मतलब यह है सो अब द एलईडी हैज अ रेटिंग ऑफ वीएफ व्हाट इज वीएफ वीएफ इज द फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ द एलईडी सो वीएफ इज नथिंग बट द फॉरवर्ड वोल्टेज सो वीएफ इज द फॉरवर्ड वोल्टेज इसका रेंज गिवन है रेंज इज 1.8 वोल्ट टू 2 वोल्ट So this is the range of the VF you can see. Now current through this current क्या flow हो रहा है I current इसका maximum value भी given है. So I max value is also given as 16 milliampere. So these are the data that is given right now. We need to find the possible value of this RS. RS का क्या क्या possible value हो सकता है. अब देखो ये वाले circuit पे देखो ये वाले circuit. Suppose ये जो मेरा VF है VF इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड सो डायोड के अक्रॉस में वोल्टेज सो मान लो ये मेरा डायोड के अक्रॉस में वोल्टेज यहां से लेकर यहां तक सो दिस इज द VF वैल्यू दिस इज द VF वैल्यू दैट इज गिवन हियर और VF का मैक्सिमम वैल्यू क्या है सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू अब If I apply KVL here in this loop, if I apply KVL, so what will be the value of RS right now? So RS को मैं लिख सकता हूँ RS. RS can be written as this voltage 8 volt minus this VF. So 8 volt minus 8 volt minus VF divided by this current. ये जो current होगा, so this current. अब देखो ये करंट का वैल्यू तो मैक्सिमम करंट गिवन है सो मैक्सिमम करंट एक ही करंट गिवन है सो मैक्सिमम सो नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ आरएस 8 माइनस वीएफ डिवाइडेड बाय आई मैक्स नाउ यहां से कितना करंट जा रहा है आई मैक्सिमम करंट इज 16 मिली एंपियर नाउ वीएफ का जो वैल्यू है दैट इज दिस पोटेंशियल मिनिमम वैल्यू क्या होगा 1.8 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 2 वोल्ट सो दैट मींस ये वाले इक्वेशन को आप केयरफुली देखेंगे तो ये जो वी एफ है ये वी एफ जब आपका मिनिमम वैल्यू होगा इफ द वी एफ हैज अ मिनिमम वैल्यू देन द आर एस वैल्यू विल बी क्या होगा मिनिमम और मैक्सिमम वी एफ अगर मिनिमम होंगे तो आर एस वैल्यू आपका मैक्सिमम होंगे सो आर एस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज मिनिमम वैल्यू सब्सट्रैक्ट हो रहा है सिमिलरली We can also say that the RS यहां पे मैक्सिमम आया था तो RS मिनिमम का वैल्यू क्या होगा RS मिनिमम का वैल्यू होंगे 8
माइनस Vf मैक्सिमम, सो 8 माइनस Vf मैक्सिमम डिवाइडेड बाय दिस आई मैक्स, दिस आई मैक्स. सो Vf मिनिमम का वैल्यू क्या है? 1.8. जस्ट पुट द वैल्यू. सो 8 माइनस 1.8 डिवाइडेड बाय आई मैक्स का वैल्यू क्या है? 16 मिली एम्पियर. सो इफ यू डू दिस कैलकुलेशन यू विल गेट द आरएस मैक्सिमम. द आरएस मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा? 387. इफ यू जस्ट डू द कैलकुलेशन 387.5 किलो ओम, सॉरी ओहम, 387.5 ओहम ओहम आएगा. नाउ यहां पे देखिए, यहां पे देखिए मेरा Vf मैक्सिमम का वैल्यू क्या है. Vf मैक्सिमम का वैल्यू 2 वोल्ट. सो दैट मींस इट विल बी 8 माइनस Vf मैक्सिमम इज 2 वोल्ट. सो 2 डिवाइडेड बाय 16 मिली एम्पियर. सो इफ यू डू दिस कैलकुलेशन इट विल कम आउट टू बी 375 ओहम. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द आरएस. सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द आरएस एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द आरएस दैट इज पॉसिबल फॉर दिस सर्किट. सो अब ऑप्शन पे देखिए, ऑप्शन पे कौन सा डेटा गिवन है. ऑप्शन पे आपका 386 है. 386 देखिए, 386 387 से और 375 के बीच में है. सो दैट मींस दिस इज द पॉसिबल आंसर. अनदर वन 375 से छोटा है और ये ही मेरा मिनिमम वैल्यू है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है. 390 भी आपका 387 से बड़ा है. सो दैट मींस दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन. और 380 क्या है? 380 375 और 387 के बीच में है. सो दैट मींस दिस इज द राइट ऑप्शन. सो आपका ये दोनों ऑप्शन सही है, ये दो ऑप्शन आपका सही नहीं है. सो दिस इज अ मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन. यू कैन सी वेयर द ऑप्शन ए एंड द ऑप्शन बी आर द करेक्ट ऑप्शन, बट ऑप्शन बी एंड सी आर द रॉन्ग ऑप्शन. सो इन दिस वे यू कैन, यू हैव टू हैंडल द मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन. सो दिस टाइप ऑफ मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन द अपकमिंग गेट एग्जामिनेशन. होपफुली यू हैव एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.